अच्छा अच्छा तो आप पूछिए, आप पूछिए। जैसे जैसे द्वैतांधकार, इसका मतलब क्या है जो द्वैतांधकार? जी द्वैतांधकार का मतलब हुआ कि जो दो बटा हुआ है, जो दो का की भावना है जिसमें, वो अंधकार में फंसा हुआ है, क्योंकि अद्वैत की ओर जाना है हमें। जिसने जी प्रकृति, जिसने पर ब्रह्म और स्वयं जीव और ब्रह्म दोनों को दो मान रखा है, वो असल में अंधकार की यात्रा कर रहा है। तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगी, तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी, जब तक कि वो ब्रह्म और जीव दोनों में एकात्म स्थापित न कर ले। ओके 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 जी, समझ में आया। जैसे कि समझ वो जिसका गया आपने तत्वमसी का जो मीनिंग बताया था, तत्वमसी का। भावरे जी। हाँ, अच्छा अच्छा तत्वमसी का अच्छा मतलब है, तत्वमसी जो है हमारे, वो मैं इसमें आत्मा तुम ही आऊंगा। हो। जी हाँ, मैं इसका थोड़ा डिटेल, अभी लास्ट वाला प्रश्न आएगा तो वहां मैं ले जाऊंगा। जी तत्त्वम असि, और वो छांदोग्य उपनिषद में आया है, और जो वेद के चारों, वेद के जो चार ब्रह्म वाक्य हैं उस वाक्य में, जी तो मैं ये लास्ट प्रश्न पे आऊंगा। अच्छा। आचार्य शंकर जी के सामने एक लिखा हुआ था, निखिल शास्त्र निष्णात, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है हर शास्त्र में संपन्न, हर शास्त्र का ज्ञाता। निष्णात ओके मतलब ज्ञाता, निखिल जी मतलब ब्रह्मांड, यानी पूरी ब्रह्मांड के ज्ञान का ज्ञाता। जी 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 और कमल जी, मीमांस जी, मीमांसक का, मीमांसक। मीमांसक का मतलब हुआ कर्म कांड का विश्लेषक। ये जैमिनी जो है वो मीमांसक के, वो व्यास जी के शिष्य हैं और मीमांसा के आदि गुरु वही हैं। तो मीमांसा का मतलब है जो वेद के कर्म कांड हैं उनकी जी व्याख्या, कर्म कांड को जो आगे ले जाता है वो मीमांसक।